सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। VMU BSc नर्सिंग का एंट्रेंस दोस्तों आज हो चुका है। दोस्तों बात करेंगे आपसे अब कट ऑफ के बारे में, पेपर का लेवल क्या था बताऊंगा आपको। आप सबको डर लग रहा होगा, पेपर दोस्तों ये काफ़ी शॉर्ट आफ्टर कोर्स, काफ़ी डिमांड वाला कोर्स है और रहती दुनिया तक दोस्तों ये कोर्स की डिमांड रहेगी जब तक आदमी जिंदा रहेगा, बीमार होता ही रहेगा, डॉक्टर और नर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और नर्स एक बहुत अहम पार्ट है मेडिकल प्रोफेशन का, और अगर आपने उसको AMU से कर लिया काफ़ी बढ़िया नौकरी आपको मिल सकती है। आप वर्ल्ड वाइड है ना, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, हर कंट्री में इसकी डिमांड तो होनी ही होनी है। लेकिन AMU में एडमिशन आसान नहीं होता है। 55 सीटें वो भी इस बार बढ़ गई, 55 हो गई, इससे पहले तो 20 ही थी। और बच्चे, भीड़ आपने देख ली होगी, बहुत से बच्चों को तो भीड़ देख के डर लग रहा होगा, लगता है ये सब लोग जाते हैं, जब आप पहली बार जाते हैं एंट्रेंस देने तो भीड़ देख के भी डर लगता है। अब दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगी बात करेंगे। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबा ताकि वीडियो आपके टाइम पर पहुँचे। दोस्तों कई लोग तो ऐसे आए होंगे जो मौज लेने आए होंगे, वो तो मौज लेके चले गए होंगे। जो बच्चे होंगे सीरियस दोस्तों, उन्हीं में दोस्तों कंपटीशन रहता है। और अगर आपको अगले साल के लिए नोट्स चाहिए BSc नर्सिंग के, नंबर आपको दिया स्क्रीन पर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा आपको। अगर आपने उनको सही से पढ़ लिया, लगन से पढ़ लिया, तो आप 80 मार्क्स से कम स्कोर नहीं करेंगे। इस बार भी दोस्तों मेरे नोट्स से सारे कॉन्सेप्ट आ गए थे और 80 प्लस मार्क्स का मेरे नोट्स में से आ गया है। लेकिन इतना वही बच्चा कर पाएगा जो बहुत ज़्यादा लगन है, बहुत मेहनती है, जिसको टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना है। मौज लेने वालों की के बारे में बात मैं नहीं कर सकता। दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर का लेवल। दोस्तों पहले बात करूंगा आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। दोस्तों ये पार्ट मतलब बहुत ही सही पार्ट आया था, आसान आया था। 17 सवाल आपको दिए थे इस पार्ट के अंदर, 20 में 3 उन्होंने काट दिए, इसमें एक आपको आ गया था रीजनिंग का, 2 नंबर डाल दिए उन्होंने इंग्लिश के, जो है मतलब सिर बांध दिए, तो 22 नंबर की आ गई थी इंग्लिश, लेकिन आती 20 की, लेकिन 22 की आई थी इसके अंदर। 17 में से लगभग 12-13 सवाल दोस्तों जो है वो सही थे, आसान थे। जब मैं आसान बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा जो बहुत डेडिकेटेड था उसके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए आसान नहीं होता। बहुत से बच्चे अभी भी रो रहे होंगे क्या बड़ा मुश्किल था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बड़ा मुश्किल आया था, ऐसे बच्चे भी ज़रूर होंगे। दोस्तों बात करेंगे आपसे इंग्लिश के बारे में। 22 मार्क्स की दोस्तों इंग्लिश आई थी, जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा मेरे ख्याल से 15 नंबर विदाउट तुक्का मारिंग कर गया होगा, आराम से कर गया होगा। 2-4-5 सवाल जो आपके सुनने एंटोनिम के थे, एक सवाल आपको जो ग्रामर का मुश्किल था वहाँ दिक्कत हुई होगी, लेकिन अदरवाइज वो भी दोस्तों मेरे ख्याल से 70% पार्ट जो है मेरे ख्याल से वो आसान था, मुश्किल वो नहीं था। 22 में 14-15 सवाल तो आसान थे दोस्तों पढ़ने वालों के लिए। सो बात करेंगे आपसे बायो, तो बायो मेरे ख्याल से 60-40 था, 40% 8 सवाल जो है थोड़े अंदर अंदर से आए थे और 12 सवाल सही आ गए थे, तो ये पार्ट ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। दोस्तों ये दोनों पार्ट 50-50 थे, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, 20 सवाल आते हैं, अब कहाँ से आ जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। नोट्स को पहले पढ़ो, फिर रिटेन करो, पेपर में करके आओ, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टास्क है ना टू अचीव दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर मैं अपने नोट्स पे इसको देखूँ, ओवरऑल दोस्तों वैसे सारा आ गया, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे किस लेवल के होते हैं ये भी डिपेंड करता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये पेपर जो था वो 60-40 था, मतलब 40% ये बता रहा हूँ जो मॉडरेट बच्चे की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सेलेंट तो नहीं होते हैं। जो बच्चा मॉडरेट का मतलब होता है जो बच्चा 55 प्लस में निकाल गया होगा मैं उसको मॉडरेट मानता हूँ, और जो बच्चा अच्छा होगा वो जो 70 के अराउंड पहुँचेगा, मतलब 65 के ऊपर जाएगा वो, उसको मैं बहुत अच्छा बच्चा मानूंगा, और जो 55 से 60 तक पहुँचेगा मेरे ख्याल से वो बच्चा मॉडरेट है। तो ये मेरी मतलब परिभाषा है मॉडरेट, क्योंकि यहाँ पर इससे कम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50% तो स्कोर करना मैंडेटरी है दोस्तों। तो ये रहा, इसमें एक पॉइंट और भी है कि बच्चों को, बहुत से बच्चे से मैंने इंटरव्यू किया था, अभी उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, बच्चों ने 100 अटैम्प्ट नहीं किए, तो उनको डाउट था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और ये लिखा होता है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। तो क्या बच्चों ने 80 अटैम्प्ट किए, मैंने भी कहीं से पूछा था कितने अटैम्प्ट किए, और मुझे उस टाइम ध्यान मिल रही, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब प्रेशर, हम जाते हैं काम करने तो प्रेशर भी होता है यार, बच्चों से पूछना होता, बच्चे बात भी नहीं करते कई बार, बहुत शर्माते हैं बात करने में, तो ये भी एक, तो उसमें मैं भी उनको नहीं बता पाया वहाँ पर कि आपको 100 अटैम्प्ट आप करते, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन उन्होंने नहीं कि ये उनके साइड पे एक आपका नेगेटिव पॉइंट दे स्कोर्ड इन दिस पेपर। दोस्तों अब ध्यान रहे, जो बच्चा 55 जिसने 100 किए होंगे, जो 55 नंबर सही कर गया होगा, और 45 में यार बहुत मरे गिरे भी 7-8 नंबर का तुक्का तो मैं समझता हूँ सही, इससे तुक्का सही नहीं बैठता। जो बहुत लकी होगा 45 में उसका 10 बैठ जाएगा, जो बहुत लकी होगा दोस्तों मेरे ख्याल से, तो ये सब बातों में मिला के, लेकिन जो प्रॉपरली पढ़ के 60-40 दोस्तों ये वाला पेपर था मेरे ख्याल से। 60% आसान था, सही था, 40% थोड़ा आपका डिफिकल्ट साइड में था।
बात करते हैं कट ऑफ। दोस्तों कट ऑफ अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ दोस्तों रह सकती है 58 to 60, क्योंकि सीट बढ़ गई है इस बार। उस अगर आप जनरल एक्सटर्नल हैं और ये बात दोस्तों, क्योंकि इतने इससे ऊपर दोस्तों जाना मेरे ख्याल से मुश्किल है। 58 to 60 तुक्का वक्का मारेंगे अगर गया 80% केस में दोस्तों यही होने वाला है, और अगर थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक आध नंबर शायद आगे बढ़ जाए, तो इससे ज़्यादा दोस्तों फ़र्क नहीं होने वाला। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो अगर आप एक्स्ट्रा दोस्तों OBC या अराउंड कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से आपके लिए 55 to 58 दोस्तों हो सकती है, इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है। सो अगर आप ST और SC दोस्तों हैं तो जस्ट कट ऑफ जो मार्क्स हैं 50% वो आप क्वालिफाई कर जाएँ, मेरे ख्याल से आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे विदाउट एनी इशू। बल्कि मान लें 1-2 नंबर ऊपर, लेकिन आप कर सकते हो। ये इसमें बहुत कम सीट्स होती है, तो गैस करना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों ये था आपके लिए एक्सटर्नल। इसमें एक बात दोस्तों और पॉइंट है, यहाँ पर AMU ने ये नहीं बताया अगर इतने बच्चे नहीं मिलेंगे जो 50 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 50 स्कोर कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, इस बारे में साइलेंट है AMU, तो यहाँ पर कुछ अभी पता नहीं है। दोस्तों अगर आप इंटरनल हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इंटरनल दोस्तों हैं, अगर आप जनरल दोस्तों हैं तो 53 to 55 दोस्तों अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, तो मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। इससे ज़्यादा स्कोर, पहली बात तो ये इंटर बच्चा इतना स्कोर कर ले काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नीट का पेपर दे रहे हैं, जो दे के आएंगे वो बच्चे ठीक ठाक स्कोर शायद 55% पहुँच गए अगर वो इंटरनल हैं तो, लेकिन ज़रा मुश्किल दोस्तों है उनके साइड में ये बात। अगर दोस्तों अगर आप OBC और SC ST दोस्तों मेरे ख्याल से जस्ट अगर आप जो है कट ऑफ के ऊपर निकल जाएंगे 51, 52, 50 दोस्तों, तो आप मेरे ख्याल से आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा गैस इसके बारे में। आपको नोट्स चाहिए दोस्तों नेक्स्ट डे के लिए, नंबर आपको दिया है, मुझे आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा, बेस्ट नोट्स दूंगा, सही से पढ़ लेना दोस्त, 80 नंबर से कम नहीं लाओगे, लेकिन मेहनत करना आपकी ज़िम्मेदारी है, इस बात को हमेशा आप ख्याल रखें। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।